नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर बारातियों के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 23 संख्या से ज्यादा बाराती पुलिस के मेहमान बन बैठे हैं। वहीं जबलपुर के माड़ोताल थाना अंतर्गत ये तस्वीरें सामने आई है, जिसमें बाराती स्कूल बस में सवार होकर वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुछ कर रहे थे। तभी पुलिस चेकिंग के दौरान वे पकड़े गए। कटंगी बाईपास पर जब यह बस बारातियों से भर के आगे जा रही थी, तभी पुलिस ने चेकिंग के नाम पर जब बस को रोका तो वह खचाखच बारातियों की भीड़ भरी हुई थी। पुलिस ने मौके पर ही बस समेत बारातियों को पकड़कर थाने ले आई, जहां बारातियों को अस्थायी जेल भेजा गया है, जबकि बस को जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में धारा 188 समेत आपदा प्रबंधन की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक यह बारात जबलपुर के घमापुर कुमारी मोहल्ला जा रही थी, जिसमें सवार बाराती धमकड़ी बेलखाड़ू गांव से आ रहे थे। बहरहाल पुलिस ने दरिया दिल दिखाते हुए दूल्हे को शादी करने के लिए छोड़ दिया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। वर्तमान में जबलपुर शहर और पूरे मध्य प्रदेश में, भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए। कल चेकिंग के दौरान कटंगी बाईपास पे एक ब्लेसिंग किड्स करके स्कूल की गाड़ी आती हुई दिखी, उसको चेक किया गया। उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो बारात लेके आ रहे थे, जबकि वर्तमान में कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार शादी में सिर्फ 10 लोगों की परमिशन दी गई है, परंतु उस बस में ही 15 लोग थे। इसके अतिरिक्त एक दुल्हन जिस वाहन में दुल्हन थी उसमें भी कई लोग थे। तो बस के विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। 188 के 270 इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।